अब यहाँ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर टेन आउट ऑफ थर्टीन क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन आंसर इफ़ ही मस्ट आंसर एट लीस्ट थ्री ऑफ द फर्स्ट फाइव क्वेश्चन यानी बेसिकली हमारे पास अवेलेबल तेरह क्वेश्चन हैं इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड uh, कर देते हैं सपोज कैटेगरी वन जिसमें हमारे पास फर्स्ट फाइव क्वेश्चन हैं ठीक है फर्स्ट फाइव क्वेश्चन और कैटेगरी टू जिसमें हमारे पास नेक्स्ट एट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इन पांच में से उसको तीन तो अटेम्प्ट करना ही करना है ठीक है कम से कम तीन अटेम्प्ट करना है तो क्या क्या केस हो सकता है कि या तो तीन अटेम्प्ट करे या फिर चार अटेम्प्ट करे या फिर पांचों के पांचों अटेम्प्ट करे तो अगर इसने फर्स्ट कैटेगरी से तीन अटेम्प्ट किया है तो मतलब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि कैटेगरी वन से वो कितने अटैम्प्ट करे और कैटेगरी टू से वो कितने अटैम्प्ट करे ठीक है तो कैटेगरी वन से अगर उसने तीन अटैम्प्ट किए तो कैटेगरी टू से उसको सात अटैम्प्ट करने पड़ेंगे कैटेगरी टू से उसने चार अटैम्प्ट किए तो सॉरी कैटेगरी वन से चार अटैम्प्ट किए तो कैटेगरी टू से छः और कैटेगरी वन से उसने पाँचों के पाँचों अटैम्प्ट किए तो कैटेगरी टू से उसको पाँच अटैम्प्ट करने पड़ेंगे ठीक है तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ़ वेज निकालें कि कितने तरीके से ये अटेम्प्ट वो आंसर्स कर सकता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज़ हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास पाँच थे और यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास आठ थे तो आंसर हो जाएगा फाइव सी थ्री इंटू एट सी सेवन प्लस फाइव सी फोर 8c6 एंड प्लस 5c5 सी ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा सिंपलीफाई किया हमने तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 276 यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए